दुनिया में कोरोना संक्रमण का केंद्र बन चुके अमेरिका में अब कोरोना के नए मामलों में न सिर्फ कमी आ रही है बल्कि मौत की रफ्तार भी कम हुई है। लगातार तीसरे दिन यहाँ 1500 से कम मौतें हुई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक सोमवार को 24 घंटे में यहाँ 1383 लोगों के संक्रमण से मौत हुई, जिससे अब यहाँ मरने वालों की संख्या 56,700 के पार हो गई है। इसके अलावा यहाँ 24 घंटे में करीब 23,000 नए केस आए, जिससे अब पूरे अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,10,000 से ज्यादा हो गई। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ करीब 3,00,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 22,600 के पार चली गई है। दूसरी तरफ पूरे अमेरिका में कोरोना मामलों की संख्या कम होते देख सभी राज्यों में लॉकडाउन में ढील देने पर चर्चा होनी शुरू हो गई है।